My advice for 20 year old people. So hey guys, again welcome back to my channel. My name is Rudupadhyay और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी एडवाइस क्या है 20 years old लोगों के लिए, जो 20 साल के लड़के हैं या लड़की हैं, मेरी एडवाइस क्या है. गाइज, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो मेरी एज भी 20 साल है, ठीक है. बट पिछले कुछ महीनों में मेरे लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आया है. वो कैसे आया है, मैं उन कुछ पार्ट्स को आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपने कुछ एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो उस पर आज हम बात करेंगे. गाइस, बेसिकली मैं बात करता हूं अपने हमारे 12th क्लास की. 12th में क्या होता है, या तो आप आर्ट्स से होंगे, या तो आप साइंस से होंगे, या तो आप कॉमर्स फील्ड से होंगे. 12th में हमें कुछ कम ही चीज़ें पता होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती. अगर आप कॉमर्स को तो आपके सीए के बारे में पता होगा, जैसे मैं साइंस फील्ड से था. अगर आप साइंस फील्ड से हो गए तो आईआईटी जेई, गवर्नमेंट जॉब, या फिर आपको जेई नीट के बारे में पता होगा. तो गाइस, हमें बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में पता होता है हमारे 18, 19, 20s में, बिकॉज इसी एज में हम अपने 12th क्लास में होते हैं. हमें इससे बाहर का कुछ पता ही नहीं होता, तो हम सोचते जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल के इर्द गिर्द है. ओके गाइस, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है हमें हमारे कॉलेज जाकर, कि यार हम लोग क्या सोचते हैं गाइस, कि आफ्टर कॉलेज में जाकर हम भाई अपनी लाइफ को खुल खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है, पार्टीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट जब हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद एक्चुअली रियलिटी हम लोगों को सामने आती है, और तब पता चलता है कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो चुका है. ऑलराइट गाइस, चीज ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में रियली सक्सेसफुल होना है 25-30 साल में, अगर वो लाइफ जीनी है जो आपने जीना चाहते हो, तो बेसिकली जो आपका पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है, डू हसल. हसल करना स्टार्ट करो. आप कॉलेज जाओ, नो इशू. आप कुछ और कोर्सेज कर रहे हो, नो इशू. आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट एक अपनी स्किल डेवलप करने के लिए अपना साइड में हसल करते रहो. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो अपना साइड हसल करते रहो. अगर आपको किसी स्किल में डेवलपमेंट करना है बहुत अच्छी तरीके से, आप उसमें भी साइड हसल करते रहो. कहने का मतलब सिंपल है गाइस, वो टाइम जो हम अपने दोस्तों के साथ खराब करते थे हमारे 12th क्लास में बंक करने में या फिर कहीं घूमने जाने में, हमें वो टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना. हमें फालतू में घूमना नहीं है, फालतू में मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है. मैं अभी कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा, बेसिकली मैं वो बता रहा हूं जो हम 12th में गलती करते थे, और बहुत सारे लोग अपने कॉलेज में आकर भी गलती करते हैं. वो लोग वही सारी चीजें जो 12th में कर रहे होते हैं, और फिर वही सारी चीजें अपने कॉलेज में आकर करते हैं, और फिर वो लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई चेंज आएगा. बट ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. जो चीजें आप अपने पास्ट में कर रहे हो, वही चीज आप फ्यूचर में करोगे, तो कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. हाँ, प्रॉब्लम्स आपकी सेम रहेंगी, बट वो चेंज कभी भी नहीं आने वाला है. ऑलराइट गाइस, सो जो हमारा दूसरा और आई थिंक मेन चीज है, वो है स्टार्ट टेकिंग रिस्क. रिस्क लेना चालू करो. अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जैसे जाकर कूद जाओ, नहीं गाइस, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला. मेरा रिस्क लेने का मतलब सिंपल सी बात है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू करो. सेमिनार्स में जाओ, ठीक है. अगर आपको जो लगता है कि हाँ चलो मुझे ये अपना पैशन फॉलो करना है, तो अपना पैशन को फॉलो करना चालू करो, ठीक है. आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको बिजनेस में जाना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, ठीक है, आपको कहीं एज ए एम्प्लॉय वर्क करना है, आपको एमएनसी में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, बी स्पेसिफिक. अपनी चीज के लिए स्पेसिफिक रहो और रिस्क लेना चालू करो. गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ रिस्क लेना चालू करो, ऐसा क्यों लोग बोलते हैं कि आपने 20s में ही रिस्क लो. कैसे देखो, आपको तो लाइफ में हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा. वो बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, ये वो वाला पार्ट नहीं है. रिस्क है तो अपने गोल के साथ इश्क है. ऑलराइट, सो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप अभी 20s में अपने रिस्क लेते हो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, या फिर वो सारी चीजें जो आपके फ्रेंड्स के सर्कल में लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लोग करने से डरते हैं, आप अगर एक्शन लेते हो, दो चीजें होती हैं, या तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, या तो आप लर्न करते हो. लर्न करने का मतलब ये कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन गाइस अगर आप उसमें फेल भी होते हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप फेल भी होते हो, ठीक है, मैं बस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपके पेरेंट्स हैं आपके पास सपोर्ट करने के लिए. अभी आपको किसी का पेट नहीं पालना, अभी आपको किसी का घर में फैमिली को पैसे नहीं देने, ठीक है, ये बेस्ट टाइम है आपका कि आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हो. आप वो चीजें ट्राई कर सकते हो जो आप अपने 25-30 साल की एज में ट्राई नहीं कर सकते थे. वरना फिर 25-30 साल की एज में, या फिर जब आपकी शादी हो जाती है, तब हम बस एक चीज सोचते हैं कि यार काश उस टाइम पे मुझे कोई ये चीज बता देता, तो यार मैं वो चीज कर लेता, और शायद आज मेरे लाइफ में वो चीज आ गया होता जो और लोगों के लाइफ में आ रखा है. ऑलराइट गाइस, गाइस तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इन्वेस्ट इन योर माइंडसेट. ठीक है, जब हम अपने कॉलेज लाइफ में आते हैं ना, हम जो सबसे ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं अपने कपड़ों में, अपने ग्रूमिंग में, अपने हेयर स्टाइल में, घूमने में, पैसा बर्बाद करने में, हम वहां पैसा अपना वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट तो मैं बोलूंगा ही नहीं. गाइस देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी
में करो, ट्रेडिंग में करो, स्टॉक मार्केट में करो, हाँ आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योर माइंड सेट। वॉरेन बफेट ये बात कहते हैं। गाइस देखो सिंपल सी बात है, आपके पास अभी लाख दो लाख रुपए तो है नहीं कि आप उसको इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओ। बेसिकली मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको आप 5-6-10-15 हज़ार रुपए में स्किल को सीख सकते हो, उस कोर्सेज को परचेज करके, किसी की मेंटोरशिप लेकर आप उन कोर्सेज को, आप उन स्किल्स को एक अच्छी तरीके से सीख सकते हो, ताकि वो स्किल आपको अपने लाइफ में वो रिजल्ट हासिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करें। अब गाइस लेकिन बात हमारी यहां पर ये आती है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कहां पे करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करो बुक्स में, इन्वेस्ट करो कोर्सेज में, इन्वेस्ट करो सेमिनार्स में, इन्वेस्ट करो इवेंट्स में, जहां पे आपके लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है उन चीजों को लेकर, ठीक है। बट मोस्टली लोग कहां पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर बोलूं वेस्ट करते हैं, मूवीज में, पार्टीज में, पिज्जा बर्गर में, दोस्तों के साथ घूमने में, मोस्ट लोग यहाँ पे अपना पैसा खर्च करते हैं गाइस। लेकिन नहीं, यही टाइम है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अगर आप लोग वो ड्रीम लाइफ सोच रहे हो कि यस मेरे को उस एज में अपनी ये वाली ड्रीम लाइफ जीनी है, देन गाइस इस 20 में हासिल करना स्टार्ट करो, अपने माइंड सेट पे वर्क करना चालू करो, रिस्क लेना चालू करो। और गाइस जो चौथा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, चेंज योर सर्कल। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का गाइस सिंपल सा मतलब है, आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसको चेंज करो, ठीक है। उन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करो जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच करता है, जिनके ड्रीम्स आपके ड्रीम्स से मैच करते हैं, और जिनकी नॉलेज आपकी नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है गाइस, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वो कहते हैं ना यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आपके जो पांच दोस्त हैं आप उन्हीं के एवरेज हो। अगर आपके पांच दोस्तों की सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है, आपकी मंथली अर्निंग होगी वो उन पांचों का एवरेज होगा। अगर आपके फ्रेंड्स की जो पांच लोग हैं उनमें से किसी 1% की अर्निंग 1,00,000 रुपए आसपास हो जाती है, तो जो और लोग हैं उन लोगों की अर्निंग में भी थोड़ा सा बढ़ाव आ जाता है अगर वो पर्सन उनके साथ रहता है तो। अगर आपके जो पांच दोस्त हैं उन सबकी जो अर्निंग है, जो उन सबकी अर्निंग है वो 1,00,000 के आसपास है पर मंथ की, इधर आपकी अर्निंग भी डेफिनेटली उतनी ही होगी। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। एंड गाइस मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप अपने दोस्तों से टोटली अलग हो जाओ, लेकिन जो मस्ती आप अपने 12th क्लास में करते थे आपको थोड़ा सा उससे हट के अभी अपने फ्यूचर के बारे में, असल के बारे में सोचना है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है। ऑलराइट, सो गाइस अपना सर्कल को चेंज करो, जितना छोटा आपका सर्कल होगा उतना ज्यादा ही आप अपने ऊपर टाइम दे पाओगे ग्रो करने में, ठीक है। और जो पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस वो ये है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब ये कंफर्ट जोन क्या होता है, कंफर्ट जोन का सिंपल मतलब होता है आलसीपन आप कह सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। जब हम बिस्तर में लेटे होते हैं हम सोचते हैं कि यार चल काम कर लेते हैं अपने कॉलेज का, अपने ऑफिस का, ठीक है, फिर अपने जॉब का, अपने हसल का काम कर लेते हैं, कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री सुन लेते हैं, ठीक है, कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं, कोई पॉडकास्ट देख लेते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है, जो हमें थोड़ा आगे पुश कर सकता है, हम वो काम छोड़ के हम लेटे रहते हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन गाइस एक ऐसा भी होता है लाइक आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्ट हो। अब वो चीज भी क्या है कि आपकी कंफर्ट जोन है यार, ये टाइम जो होता है ना हम लोग सोचते हैं कि चलो कॉलेज जाना है, कॉलेज से आके आराम से रेस्ट करना है, फिर बाहर जाकर दोस्तों के साथ मिलना है, गाइस ये सर्कल बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। आपको ये चेंज करने की जरूरत है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो सारी चीजें करना चालू करो जो आपकी 25 एज में आपको वो सारी चीजें दिला सकती हैं जो आप आज के टाइम पर सोच रहे हो। और लड़का, सो आज के लिए इतना ही, ये पांच की पॉइंट है जो आप लोग हमेशा याद रखो।